रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी के बाद पहली बार पेपराजी के कैमरे में पब्लिक प्लेस पर कैप्चर हुए। दोनों का वीडियो गोवा एयरपोर्ट से सामने आया है, जिसमें पीले रंग के आउटफिट में दुल्हन और दुल्हे राजा कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं। नई नवीली दुल्हन रकुल के गले में मंगलसूत्र भी नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या, जैसे ही ये वीडियो सामने आया लोगों ने रकुलप्रीत सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्यों, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वाचिंग बोल्ड स्काई। देखिए, रकुलप्रीत और जैकी भगनानी ने धूमधाम से गोवा में 21 फरवरी को शादी रचाई। शादी के बाद जहां गेस्ट फौरन वहां से रवाना हो गए, वहीं रकुल और जैकी 24 फरवरी को गोवा से निकले। शादी के बाद दुल्हन के रूप में पब्लिक के बीच पहली बार रकुल पहुंची, जिन्होंने मंगलसूत्र के साथ साथ हाथों में पिंक कलर का चूड़ा भी पहन रखा था। दुल्हन के इस लुक को लेकर कुछ लोग तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रोल करने के पीछे सबसे अहम वजह है रकुलप्रीत सिंह का मंगलसूत्र। जी हाँ, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो रकुलप्रीत सिंह ने बहुत ही सिंपल सा एक मंगलसूत्र कैरी कर रखा है, जिसको लेकर अब यूजर्स उन्हें अपने निशाने पर ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि एहसान कर दिया पहन के, वहीं एक का कहना था फैशन के लिए कुछ भी। एक ने ये कह दिया कि पैर वाला बिछिया भी दिखा देते तो अच्छा रहता। वैसे आपको बता दें कि दोनों ट्रेडिशनल अवतार में नजर आए हैं। रकुल और जैकी ने शुक्रवार को ही अपनी शादी का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में दोनों के प्री वेडिंग फंक्शन से लेकर शादी तक की झलकियां हमें देखने को मिली थी। इसमें दिखाया गया है कि इनकी हल्दी और मेहंदी के अलावा संगीत सेरेमनी और दोनों के बीच काफी ज्यादा मस्ती भी हुई थी। वीडियो में कई खूबसूरत पल भी कैद हुए, जिनमें वरमाला पहने हुए रकुल डांस करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी मजेदार वीडियो को देखने के आप जुड़ रही है बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रकुल सेंटर। ये प्लीज आप लोग, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। आगे किधर जा रहे हो यार? पीछे 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 प्लीज शेयर कर लेना सब लोग। थैंक यू सो मच। छोड़ो। पहले इधर लाओ, मुझे तुम्हारा काम करो।